सियारा, बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जो प्रभु श्री राम पर केंद्रित है, राम की सदी और राम का साल। ये प्रश्न अक्सर मन में आता है कि कौन सी ऐसी सदी होगी जो राम की सदी नहीं होगी, और कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो राम का वर्ष नहीं होगा। जो डूब जाते हैं राम में, जो भक्ति में डूब जाते हैं प्रभु श्री राम की, उनके लिए तो सिर्फ एक ही वर्ष है, एक ही साल है, और उसका नाम है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के साथ साथ इस कार्यक्रम में हम उस अद्भुत घटना का भी एक महत्वपूर्ण उल्लेख करते हुए आगे बढ़ते हैं जो आकार लेने जा रही है 22 जनवरी 2024 को। यानी 500 सालों की लंबी यात्रा के बाद, जिसके पीछे जप तप संकल्प जतन, न जाने कितने लोगों, करोड़ों लोगों की मनोभावनाएं जुड़ी रही हैं, वो रूप स्वरूप अब एक मंदिर, भव्य मंदिर के रूप में आकार ले चुका है और अंतिम चरणों में है तैयारी। और अगर 30 दिसंबर शनिवार की बात करें तो अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रेलवे स्टेशन सहित, एयरपोर्ट सहित तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया, और एयरपोर्ट की एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत भी कर दी है कि अब वहाँ विमान लैंड कर सकते हैं। टेस्टिंग तो पहले ही हो गई थी। तो इस विनम्र प्रयास में हम भी, हमारी टीम भी अयोध्या रही, और उसी के एक सदस्य जो अभी लौटे हैं, एक सदस्य फिर वहाँ जाने वाले हैं, और फिर तैयारी शुरू होगी। सुनील सिंह बघेल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं, जो अयोध्या रहे और फिर जल्दी अयोध्या की यात्रा पर निकलेंगे, और इच्छा तो हमारी भी है कि प्रभु अगर बुलाते हैं तो हम भी पहुँचेंगे वहाँ। तो सबसे पहले ये सफ़र हम शुरू करते हैं, सुनील जी के अनुभव भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और इसके साथ ही जो छठवें वंदे भारत और दो अमृत भारत ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अयोध्या को करीब 16,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भेंट दी। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम विराजेंगे तब राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं, क्योंकि पर्व तो दीपावली का तभी आरंभ हुआ जब अयोध्या में राम लौटे, और अब ये अवसर फिर एक अलग रूप में, एक अलग स्वरूप में आकार लेने जा रहा है। तो वो झलकियाँ दिखिए जो आपकी स्क्रीन पर हैं, प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश थीं, और ये जब एक रोड शो में थे प्रधानमंत्री, ये तब की तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो भव्य स्वरूप, और ये उस आयोजन स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे थे। और सुनील जी, मुझे लगता है ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है? जी, एयरपोर्ट का है, और फिर दोनों, हालांकि दोनों लोकार्पण एक साथ हुआ है। और साथ में शरद जी ये भी बता दूं कि हम दर्शकों को बता चुके हैं कि जो अयोध्या धाम एयरपोर्ट था वो अब वाल्मीकि स्वामी के नाम पे रखा गया है, वैसे ही रेलवे स्टेशन का भी आप अयोध्या नाम चेंज करके, जंक्शन चेंज करके अयोध्या धाम कर दिया, अयोध्या धाम कर दिया जी। एयरपोर्ट हो गया है वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये 5 तस्वीरें देखिए, जैसा सुनील जी बता रहे थे, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की पहली तस्वीर है, नीचे 6 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है। तो 6 वंदे भारत ट्रेन्स जुड़ गई हैं, जो बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेन्स हैं, और बड़ा इस समय उनका एक रुतबा है भारतीय रेल में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, मेगा रोड शो। शरद जी, जी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये हम सूर्य के समान जो गोले देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य इनके आराध्य देव थे, तो जो राम पथ पर उसको वही स्वरूप देने की कोशिश की गई है, और बहुत सुंदर सूर्य के आकार के स्तंभ लगाए गए हैं स्तंभ के ऊपर, जब ये रात में जलते हैं तो एक बड़ी अद्भुत और अलौकिक छटा बनती है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि इक्ष्वाकु की बात करें अगर,
भगवान जिस तरह से जिस वंश पे उनका जन्म हुआ और तमाम चीज़ें जो रहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चार बड़ी बातें जो हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि चार महत्वपूर्ण बातें इस अवसर पर उन्होंने जो कही हैं वो भी देख लीजिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संबोधित करते हुए। 40 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे, आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा, देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, कई महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने की हैं। हमारे साथी सुनील जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अयोध्या का दौरा करके अभी अभी लौटे हैं, कवरेज के बाद वहां से लौटे हैं। सुनील जी, आपका ये पहला प्रवास था अयोध्या का या पहले भी जाना हुआ था आपका? जी सर जी, पहले भी जाना होता रहा है। और जब हम अयोध्या की बात करें तो जब आप पुरानी तुलना यदि ना कर पाएं तो फिर जो आज ये इस अयोध्या को देख रहा है और जो नई पीढ़ी पैदा होते हुए जो अभी पीढ़ी पैदा होगी और वो जो अयोध्या को देखेगी तो वो समझेगी कि अयोध्या ऐसा ही था। लेकिन जिसने जरा भी अयोध्या, या आपको याद हो हमने काशी विश्वनाथ को लेकर के भी कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं, तो जिस तरह से काशी विश्वनाथ में बहुत छोटी छोटी गलियां होती थी, ये जो जगह हम देख रहे हैं ये राम की पैड़ी है। जी जी हाँ, ये राम की पैड़ी है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन है पूरे क्षेत्र का। इसको राम की पैड़ी से क्या आशय हुआ? राम की पैड़ी जैसे आप देखिएगा, हालांकि इसको इसी तर्ज पर विकसित किया गया है जैसे आपके हरिद्वार में या काशी विश्वनाथ ने विकसित किया गया है, हर की पौड़ी, लेकिन हाँ हर की पौड़ी की तर्ज पर। लेकिन इसका यदि हम पौराणिक ढंग से देखें तो राम जब अयोध्या पे आ गए राज करने लगे तो, और लक्ष्मण ने जब तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा व्यक्त की तो तीर्थ यात्रा जब जाने की इच्छा व्यक्त की तो राम ने इसी के नीचे सामने खड़े होकर के उन्हें ये दे दिया कि जो इसमें सूर्योदय के पहले स्नान करेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी, उसके समस्त दोषों का निवारण होगा, समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ करीब 80 करोड़ की लागत से तो अभी यहाँ पर इसमें जो फव्वारे के बैकग्राउंड में यदि ये दृश्य दिखता है, यदि आपको एक स्क्रीन दिख रही हो जिसमें कुछ राम प्रसंग चल रहा है, तो ये स्क्रीन हिंदुस्तानी नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक है। और मैं आपको बताऊँ कि करीब ये 200 फीट लंबी एक स्क्रीन है और इसके सामने ये फव्वारे अभी नए बनाए गए हैं और यहाँ करीब 15,000 लोगों के बैठने की
व्यवस्था की गई है। अभी आप थे, नए वर्ष का भी भीड़ एक पर्यटकों की होगी जी, और जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, और कई पर्यटक ऐसे भी होंगे श्रद्धालु जी जो ये जानते हैं कि 20 या 15 जनवरी से उनका जाना बड़ा कठिन हो जाएगा जी, तो वो लोग अभी पहुंच रहे होंगे, तो किस तरह का हुजूम आपने देखा? उत्सुकता है सरज जी, इतनी उत्सुकता है लोगों में, ऐसा नहीं है मैं मतलब यदि अन्यथा ना ले, मैं किसी की भावनाएं आहत ना हो, तो जो पुरानी अयोध्या देखी है तो वो एक ऐसा लगता था कि जैसे एक खूबसूरत भव्य एक आध्यात्मिक विरासत उजाड़ सी हो गई हो और एक जैसी उजड़ती जा रही हो। स्वाभाविक है कि वर्षों तक, सदियों, इतने सालों तक रामलला जो जन जन में बैठे हुए हैं वो एक टेंट में विराजमान रहे और गली गली पे इतने भव्य निर्माण थे, लेकिन सब चूँकि श्रद्धालु बहुत कम जा रहे थे। लेकिन अभी तो आलम यह है कि जो उस समय एक तो गिने चुने होटल हुआ करते थे और जो होटल आप ऐसा समझिए कि 1500 रुपये में मिल जाते थे, आज 5,000-10,000 रुपये, और 22-23 तारीख की यदि बात करें आप तो आप आश्चर्य करेंगे शरद जी, 80,000-1,00,000 रुपये तक जो स्टार होटल है, 3-स्टार होटल है, उनके होटलों का किराया बढ़ चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश की दृष्टि से, यदि घाट का दृश्य आएगा तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, हाँ ये तो ये हमारा सौभाग्य था कि ये राम का जो अभी वर्तमान में जो रामलला का विग्रह है और ये बंसल न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखाया था कि जहाँ अभी रामलला बैठे हैं, और ये भी एक ये जो स्थल है इसको भी सुरक्षित रखने की योजना है। हालांकि ये विग्रह ये हम वहाँ सरयू किनारे जी 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 हाँ सरयू, यहाँ पर जो घाघरा नदी है वो बाब ने यहाँ पर इस क्षेत्र में आकर के जो सरयू के नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी की तर्ज पर यहाँ भी रोज 6-6-6-10 के आसपास सामने गंगा आरती हो, सॉरी माफ कीजिएगा, सरयू की आरती होती है और बड़ा हुजूम जुटता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी वहाँ पीछे में यदि हल्का सा जो दृश्य हम दिखा पा रहे होंगे तो उसमें आप देखिए कि कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। ये तो हम लोगों ने नाव से और जेटी से किया है। पर्यटकों, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा सनातन परंपरा के प्रति जी बड़ा आकर्षण बाहर से आने वाले पर्यटकों के मन में है जी, और खासतौर से चूंकि राम और कृष्ण जी अवतार ही हैं जी, और इसलिए ये मध्य प्रदेश के सोनी जी थे, ये नहीं उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, और ये ग्वालियर से हैं और ये सदियों मतलब कई सालों से, मतलब इन्होंने मुझे जहाँ तक याद है कि सन 2000 से ये हिंदुस्तान ही नहीं देश विदेश में घूम घूम करके इसी तरह से हनुमान के ऊपर अपना वेश धारण करके और बहुत अच्छा सुंदर मंचन करते हैं हनुमान चालीसा पर, उनकी लीलाओं पर, और वो बड़ा बढ़िया दृश्य होता है। और हमारे आग्रह पर इन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बंसल न्यूज़ के लिए एक विशेष तौर पर उसका भी एक छोटा सा नमूना हमें दिखाया था। ये भी राम की पैड़ी पे ही हम लोगों ने शूट किया था जी। चलिए तो देखिए सुनील जी के अनुभवों से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या इस समय वैसी ही सजी है जैसे प्रभु श्री राम के लिए तब सजी होगी जब वो लौटे थे लंका से रावण के वध के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में बन रहा रामलला का भव्य मंदिर केवल मंदिर नहीं है बल्कि ये एक सपना है। इसे पूरा करने के लिए अनेक कार सेवकों ने कठोर परिश्रम किया, अपनी जान भी जोखिम में डाली, और ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के जो निमंत्रण हैं वो भी ऐसे कार सेवकों को भेजे गए हैं। उनमें बैतूल के मिलानपुर आश्रम में रहने वाले भोजपाली बाबा भी शामिल हैं जिनकी जड़ें भोपाल से हैं। भगवान राम के प्रति भोजपाली बाबा की अटूट श्रद्धा का इसी से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 1992 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो अविवाहित ही रहेंगे। आज भोजपाली बाबा 52 साल के हो गए। सरयू, गंगा और नर्मदा में बहुत पानी बह चुका है और वो 22 साल का नौजवान अब 52 साल के एक मैच्योर एज के संत में बदल चुका है। आजीवन ब्रह्मचर्य को भी वो अपना चुके हैं। प्रसन्नता तो देखिए जी, लेकिन इस बात का संतोष है उनको कि उनका संकल्प पूरा हो गया
और ये देखिए उनका आमंत्रण पत्र आया है, पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित है, जिसे वो दिखा भी रहे हैं और उनके चेहरे की प्रसन्नता जैसा सुनील जी कह रहे थे आप देख सकते हैं। तो बैतूल के मिलानपुर में ये इनका आश्रम है और चिंतन में डूबे हैं भोजपाली बाबा अभी। कैसा, चलिए हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं भोजपाली बाबा जी, सीधे मैं उन्हीं की तरफ रुख करता हूँ। बाबा जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। नर्मदे हर जय श्री राम। नर्मदे हर जय श्री राम। एक 22 साल का युवक भोपाल से चलता है, एक सन्यासी को ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले व्यक्तित्व को अतीत की गलियों में ले जाना उचित नहीं होता है, लेकिन ये मेरा धर्म भी है और लाखों दर्शकों तक आपकी बात भी पहुंचानी, इसलिए मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ। जरा याद करके मुझे बताइए किस तरह का वो परिवेश था और 22 साल की उम्र में आपके बहुत सारे आपको लेकर सपने आपके परिवार ने भी देखे ही होंगे, आपके मन में भी स्वतः स्वप्न होंगे, क्या आपकी अध्ययनशीलता थी उस समय, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो चुकी थी और किस तरफ जीवन बढ़ रहा था जो अचानक प्रभु श्री राम की तरफ चल पड़ा। जी प्रभु जय श्री राम। मैं इस समय कारसेवा में गया था जी, उस समय 21 वर्ष का था और भोपाल में बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। मेरा अध्ययन बाद में डबल एम में LLB तक हुआ है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में MA किया जी। जिस समय मैं कारसेवा में गया उस समय मैं 21 साल का था जी जी, और जब मैं गया जी तो हम लोग ये गीत गाते हुए गए थे जी, हम लोग इतना नेगा धूमधाम से, हम लोग भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से। युवा से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से एक गीत और गाते थे, ऐसा अब युवक कहाँ जिसके दिल में रामना, मातृभूमि ही तो जगे है हमारी का। वाह। तो हमारी वाहिनी की ओर से जब हम वहाँ गए जी कार सेवा में 15 लाख लोग थे और हमारे कार सेवक सब पूरी अयोध्या को घेर के बैठे थे जी, घेर के बैठे थे और हमको ये आदेश हुआ था संगठन की ओर से कि आपको सरयू मैया में सुबह 9 बजे 6 दिसंबर 1992 को सुबह 2 बजे आपको प्रतीकात्मक कार सेवा करना। लेकिन बंधुवर उससे 2 वर्ष पूर्व जो कार सेवा हुई थी उसमें नरसंहार हुआ था, अनगिनत साधुओं संतों का हत्या हुई थी, तो एक देश में बहुत आक्रोश का वातावरण था और उसी आक्रोश के वातावरण से व्यथित होकर हम जब वहां पर 5 दिसंबर 1992 को शाम को जब हमने ये सुना, क्योंकि हम 29 नवंबर को वहां पहुंच गए थे और 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक हमारी यही दिनचर्या रहती थी कि सुबह उठते थे इंतजार करते थे कि कब 6 दिसंबर आए। जब 6 दिसंबर आया तो उस समय हम बाब जो विवादित ढांचा बना हुआ था हमारे श्री राम जन्मभूमि पर वो भी हमें नहीं दिख रहा था, हम करीब 1 किलोमीटर दूर वहां से बैठे थे और जब 12:15 करीब जब माइक से आवाज आने लगी जी, कुछ कार सेवक उस पर चढ़ गए हैं और आपको जो जहां बैठा है वो उसको वहीं पर बैठे बैठे श्री राम जय राम जय जय राम की धुन गाना है, तो हमने हमारे अधिकार भोजपाली बाबा जी मैं ये सब अतीत की बहुत ऐसी स्मृतियां हैं, लेकिन ये सब अतीत की स्मृतियां हैं और अब आपके चेहरे की प्रसन्नता मैं देख पा रहा हूं कि आप वहां भव्य राम मंदिर को जिस तरह लोकार्पण के लिए वो तैयार है और 22 जनवरी वो घड़ी है। प्रभु श्री राम से जो इस दौरान आपका एक आध्यात्मिक संवाद भी मन ही मन में हुआ होगा, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ये बता रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी जी जी। तो मैं जब संकल्प लेकर जब वहां से निकला 6 दिसंबर 1992 को जब मैंने संकल्प लिया कि अब मैं जब तक, क्योंकि है ना छोटी सी सिंहासन थी, छोटी सी सिंहासन उस समय हमारी अयोध्या हमने देखी है, उस समय की हमने अयोध्या जी, उस समय हमारी अयोध्या ग्राम पंचायत स्तर की एक अयोध्या हुआ करती थी। वाह जी। और जब वो तीसरा गुंबद जब गिर रहा था और तीसरा गुंबद गिर रहा था उसमें से गिरने के पहले योगा योग से हमारी भोपाल की टोली वहां पर थी और तथा वो उस समय जो
हमारे आचार्य स्वामी रामचंद्र परमदास जी महाराज जो उस समय के अध्यक्ष थे ट्रस्ट के, वो जब एक छोटी सी लकड़ी की सिंहासन रखी हुई थी उसको उठाकर, रामलला जहाँ विराजमान थे उसको उठाकर जब सुरक्षित ले जा रहे थे, तो हम उस समय देवी योग से वहां पर थे। उसी समय में इस युवा मन में से निकला संकल्प के प्रभु, हम हमारे हिंदू राष्ट्र में चारों तरफ धूल उड़ रही थी, पूरा दो गुंबद गिर चुके थे, वो तीसरा गुंबद गिरने वाला था, उधर से सिंहासन उठाई और हम उसके पीछे पीछे निकले बाहर। और जैसे ही प्रभु बाहर निकले तो वो गुंबद धराशायी हो गया 5 फीट के अंदर। मेरा रोम पे खड़े हो गए, मेरा रोम रोम के, मैं अगर उसके नीचे होता तो मैं अभी ब्रह्मलीन हो गया होता। उस समय मेरे 21 साल की उम्र में उस रविंद्र गुप्ता ने ये सौगंध दिखाई कि प्रभु जब तक तेरा भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा और इसी निमित्त में संगठन कार्य में लगूंगा। तो उसके बाद मैं घर में रहा, 12 साल तक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। 2004 में जब निकला तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि मैं कहां से, मेरे को ये आमंत्रण आ गया। कब 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 निकल रहे हैं आप, किस तारीख को पहुंच रहे हैं अयोध्या भोजपाली बाबा? 22 जनवरी का कार्यक्रम है, 19 जनवरी को मेरे को गांव वाले विदा करेंगे जी, तो समय जाना है। वाह, तो आप आपसे हम उस समय का भी दृश्य वहां अयोध्या में भी संपर्क आपसे करेंगे। जी, छोटा सा मेरे मन में भी उत्सुकता थी उस दौर के बारे में। सुनील जी, मैं जब मैं बात कर रहा था तो ऐसा बताया जा रहा था कि अयोध्या पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, कई जगहों पे तरह तरह के पुलों पर अवरोध लगा दिए थे, तो और नदियों के घाट के किनारों पर भी जवान लगा दिए गए थे, फिर भी सारे लोग वहां पहुंचे, तो कैसे पहुंचे आप लोग? निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत सारे जतन और उपक्रम किए गए होंगे, लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि ये सब अतीत की बातें हैं और अब जो है वर्तमान में हम खड़े हैं, और वर्तमान ये कह रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर, एक ऐसा राम मंदिर जो जन आस्था का केंद्र है। इसलिए अतीत की स्मृतियां कई बार, कई अभी हमने भोपाल के एक ऐसे कार सेवक को भी देखा जो चोटिल हुए और अब वो चल भी नहीं पाते, कमर का हिस्सा, तो कई ऐसी भी स्मृतियां हैं, उनकी तरफ जाने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ें और देखें, और ये फिर मैं कहूंगा कि भारत ने, समूचे भारत ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पना व्यक्त की, और आज उसी की वजह से भारत का हर एक नागरिक, मैं कहूँगा कि ये उसी का संकल्प है जो सार्थक हुआ है, और इसीलिए भारत भूमि अपनी उदारता, अपने विराट तत्व के लिए पहचानी जाती है। भोजपाली बाबा जी, बहुत हृदय से प्रणाम कि 21 साल का ये युवक आज ब्रह्मचर्य और संन्यास की गहरी दीक्षा में रूपांतरित है, लेकिन उसके मन में उस राम के प्रति अनन्य आस्था है जो इमामे हिंद कहलाते हैं, जो जन जन की आस्था का केंद्र है, जो सबको स्नेह से देखते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए राम इस सारे भारत के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के सभी जाति वर्ग धर्म के, फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज कहा कि राम सभी के हैं, और यही वजह है कि राम राम है। बहुत धन्यवाद आपका भोजपाली बाबा जी, बहुत धन्यवाद सुनील जी, आगे भी मैं आपसे आपके अनुभवों पर चर्चा अवश्य करूँगा। फिलहाल वक्त है आपसे अनुमति लेने का, बने रहिए बंसल न्यूज पर, आगे देखिए आज का मुद्दा। नमस्कार। राम लला अवध के प्यारे, राम लला जगत के प्यारे, राम लला प्यारे प्यारे राम।